दैट इज कॉल्ड लायबिलिटी। ठीक है, रेवेन्यूज। कई लोग रेवेन्यूज का मतलब समझते हैं प्रॉफिट, लेकिन एक्चुअली ऐसा नहीं है। प्रॉफिट तो प्रॉफिट को ही बोलेंगे, रेवेन्यू बोलेंगे हमारी इनकम। अब बोले सर इनकम मतलब तो प्रॉफिट होता है, बिल्कुल नहीं, इनकम अलग है, प्रॉफिट अलग है। इनकम को अगर हम तोड़ेंगे ना, जिसको हिंदी में कहते हैं संधि विच्छेद करना, इनकम अंदर आउटपुट या आउटगोइंग बाहर जॉब या आउटकम बाहर है, इनकम अंदर आया आउटकम बाहर है, जो आ रहा है जो इनकम है दैट विल बी कॉल्ड रेवेन्यू। क्या बोला जाएगा? रेवेन्यू। जैसे आपने कुछ बेचा, आपके पास कैश आया, रेवेन्यू। आपने पुराने एसेट बेचे, आपके पास पैसा आया, रेवेन्यू। आपने बैंक में कुछ डिपॉजिट करके रखा है, उससे इंटरेस्ट मिला, रेवेन्यू। जहाँ से भी हमको इनकम होगी, ये सारी इनकम क्या कहलाएगी? रेवेन्यू। ठीक है, अब इसके भी कई सारे पार्ट्स हैं, कैपिटल नेचर, रेवेन्यू नेचर एक्सेट्रा, लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म, बहुत सारी चीज़ें आने वाले टाइम पे आप उसको सीखते रहेंगे। एक्सपेंसेस, ये रेवेन्यू अर्न करने के लिए, ठीक है, जो खर्चा किया जाता है दैट इज कॉल्ड एक्सपेंसेस। दो नेचर का होता है, कैपिटल नेचर और रेवेन्यू नेचर। ठीक है, कैपिटल नेचर का उसको बोलते हैं जो एसेट बनाने के लिए किया जाता है। अगर कोई ऐसा एक्सपेंस है जो तुरंत ना खत्म होकर के हमारा एसेट क्रिएट कर रहा है, एसेट अभी थोड़ी देर पहले आप लोगों को बताया, वो आइटम जो हमको इस साल के अलावा आने वाले सालों में भी हमारा रेवेन्यू जनरेट करने में हेल्प करते रहेंगे, दैट इज कॉल्ड एसेट। एंड दिस काइंड ऑफ एक्सपेंसेस दैट आर स्पेंट फॉर एक्वायरिंग एन एसेट इज कॉल्ड कैपिटल। ये हो जाएगा, एंड दैट ऑल्सो शुड बी मेटेरियल। छोटे मोटे चीज़ें नहीं। क्या बोले सर, मैंने तो ये मोबाइल का कवर ले लिया है, ये भी तो 5-7 साल 8 साल चलता है। छोटा चीज़ है, छोटा बस, छोटी छोटी चीज़ें लेके अगर आप बैठे रहेंगे तो बड़ी चीज़ें हाथ से निकल गई। बड़ी चीज़ों पे पहले फोकस करते हैं, ये कॉमर्स का रूल है। आप आज नहीं, जब भी किसी ऑर्गेनाइजेशन में या सीए बन जाएंगे या मैनेजर बन जाएंगे कहीं पर भी, तो ये चीज़ ध्यान में रखें, बड़ी चीज़ों पे पहले फोकस करें, फिर छोटी चीज़ें अपने आप खत्म होती चलती हैं, अपने आप आती चलती हैं। कहीं कहीं पर आपको सुनाई पड़ेगा एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर ये क्या है? अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में कहूँ तो एक्सपेंसेस कैपिटल नेचर का है और एक्सपेंडिचर रेवेन्यू नेचर का है। एक्सपेंडिचर वो जो डायरेक्टली आप प्रॉफिट कमाने के लिए करते हैं, जो उसी साल खत्म हो जाने वाले हैं, छोटे बड़े सारे आइटम, दैट विल बी कॉल्ड एक्सपेंडिचर। प्रॉफिट आप समझते हैं, मैंने आपको बता दिया। प्रॉफिट सीधा सीधा बात है, रेवेन्यू माइनस एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू माइनस एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर में एक चीज और आता है, एक्सपेंसेस तो सिर्फ कैश रहेगा, एक्सपेंडिचर कैश और नॉन कैश दोनों रहेगा। यानी कि कैश का ट्रांजेक्शन हुआ ही नहीं है फिर भी खर्चा हो गया,
ये कैसे होता है वो तीन सत्तर बिजली सफर गेम। आप बोले सर गेम की तो प्रॉफिट ही है, ठीक है मैं मान लेता हूँ। तो दोनों को अलग अलग नाम तो दिया गया है, बहुत छोटा सा डिफरेंस है। आपका जो प्रॉफिट है वो रेवेन्यू से एक्सपेंडिचर माइनस करके मिल जाता है। गेन क्या होता है, लंबे समय से लॉन्ग टाइम जो आपका एसेट होता है इसको सेल करने के बाद जो आपको प्रॉफिट होता है इसको बोलते हैं गेन। इसमें आपका प्रॉपर्टी हो सकता है, मशीनरी हो सकता है जिसकी बुक वैल्यू कुछ थी और आपने बेच दिया उससे ज़्यादा अमाउंट में, या आपने आपने कहीं पे डिपॉजिट रखा हुआ है, कोई सिक्योरिटीज ली हुई है, कहीं पे इन्वेस्टमेंट करके रखा हुआ है और उसको जब सेल किया तो उससे कुछ प्रॉफिट मिला, दैट इज कॉल्ड गेन। ठीक है लॉस, तो ये दोनों एक ही चीज़ है बस इनका नेचर थोड़ा सा अलग है। लॉस शायद ही यहाँ पे कोई ऐसा होगा जिसको लॉस बताने की जरूरत है। सीधी सी बात है, अगर एक्सपेंडिचर रेवेन्यू से ज़्यादा हो गया है इसका मतलब आपका नुकसान हो गया, दैट मीन लॉस। और ये दोनों जगह होगा, इस केस में भी और इस केस में भी। जैसे इस दोनों के लिए प्रॉफिट के लिए वर्ड अलग अलग यूज़ किए गए ना, प्रॉफिट अलग और गेन अलग, यहाँ पे कोई अलग वर्ड नहीं। लॉस मीन्स लॉस, डिस्काउंट। आप ओरिजिनल प्राइस को रिड्यूस करते हैं किसी भी स्पेसिफिक पर्सन के लिए या किसी स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ पर्सन के लिए या किसी स्पेसिफिक सर्कमस्टेंसेस में। आप क्या करते हैं, जो ओरिजिनल प्राइस हो उसका कुछ पोर्शन उसमें से माइनस करके करंट प्राइस ओरिजिनल प्राइस से रिड्यूस करते हैं, दैट इज कॉल्ड डिस्काउंट। एक तो ये हो गया, ठीक है, एक डिस्काउंट ये हो जिसको बोलते हैं ट्रेड डिस्काउंट, कि आप ये सामान खरीदिए 20% छूट देंगे, ये 10 खरीदिए एक फ्री में देंगे, दैट इज कॉल्ड ट्रेड डिस्काउंट। दूसरा एक होता है कैश डिस्काउंट। ये क्या होता है कैश डिस्काउंट, अगर हमारे पास कुछ डेटर्स नोट के ऊपर पड़े हैं, यानी हमने कई लोगों से पैसा लेना है, कुछ पैसा हमें दूसरे लोगों से लेना है, जैसे 1 लाख रुपीज़ एक आदमी को लेना है मिस्टर एन से, बहुत दिन से पैसा देते हैं, अब हम उसको बोले यार जितना उतना दे, तुम्हें काम करो, वो बोलता है कि आप उससे काम करो 1,000 रुपये हर महीने ले लो, आप उसको ऑफर दे दो 1,000 रुपये हर महीने देने से तो अच्छा है तुम्हें काम करो, अभी 60-70,000 रुपये लोग काम। तो ये जो उसको छूट दिया इकट्ठा पैसा लेने के लिए, दैट इज कॉल्ड कैश डिस्काउंट। दूसरा एक तरीका और है, आप जब सामान क्रेडिट पे बेचते हैं उधार बेचते हैं तो उसमें टर्म लिखते हैं ना, टर्म पेमेंट विद इन 90 डेज, यानी हम आपको उधार दे रहे हैं 90 दिन में आपको ये पैसा वापस करना पड़ेगा, साथ ही उसमें कंडीशन लगा देते हैं, अगर आपने 60 दिन में पैसा दे दिया तो मैं आपको 2% डिस्काउंट दूंगा, अगर आपने 30 दिन में पैसा दे दिया तो मैं आपको 5% डिस्काउंट दूंगा, और अगर आप नगद खरीदते कैश अभी पूरा पैसा दे देते हैं तो मैं आपको 10% डिस्काउंट दूंगा, दैट इज कॉल्ड कैश डिस्काउंट। उसके पहले वाले क्या था, ट्रेड डिस्काउंट, इतनी पीस खरीदिए इतना छूट कर, पैसा तो अभी देके बात देंगे तो बात की बात है,
इतना पीस खरीदिए आपको ये छूट मिलेगा, या ये वाला पीस खरीदिए 10% छूट मिलेगा। कहीं सेल लगती है, ऑफर लगती है, तो ऑफर सबके लिए जैसी नहीं रहती ना, किसी किसी को कुछ छूट मिलती है, कई आइटम होते हैं जिनकी छूट नहीं भी मिलती है। ई शॉप में रेट में डिफरेंस होता है, कहीं 10% होता है तो कहीं 40% होता है, कहीं 20% होता है। इनके आगे बढ़ेंगे तो डेटा और प्रतिदा करते हैं, जिनको हमने कुछ दिया हुआ है और अभी तक इन्होंने वो चुकाया नहीं। मैंने जिनको सामान भेजा और अभी तक उनका पैसा नहीं आया, तो ये जिनसे हमको लेना है ठीक है, ये कहलाते हैं डेटर। किसी का उल्टा है क्रेडिटर, जिनको हम पैसा देने वाले हैं अब से कुछ दिन के बाद या कुछ महीने के बाद, तो ये लोग क्या कहलाएंगे क्रेडिटर। ये आपके असेट है क्योंकि ये आपके कैपिटल को इंक्रीज करेगा ठीक है, और ये आपकी क्या है लाइबिलिटी है। अब मैंने थोड़ी देर पहले बताया लाइबिलिटी आज ये तो मैं चुकानी पड़ेगी, इतने सारे टर्म्स हैं और कोई टर्म्स आपके फर्स्ट चैप्टर में दिखता नहीं। जब सेकेंड चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे तो इसको थोड़ा सा और वाइडली एक्सप्लेन करेंगे, बहुत ईजी है, कोई बहुत ज़्यादा डिफरेंट नहीं है। अब नेक्स्ट वीडियो बनाते हैं।